और ये है हैम्बर के नज़ारे, और वो भी फ्री में। ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, ये ज़मीन पूरी हिल रही है भाई। अभी बाहर आ गए हैं और यहाँ से देखने, ये 8वां फ्लोर है और ये फ्री है बिल्कुल, आप आके फ़ोटो वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह का है, इस तरह दिखता है पूरा सिटी जो है। ये सारा पोर्ट एरिया है, आगे आप देख सकते हैं क्रेनें वगैरह ये सारी लगी हुई हैं, और इस तरफ देखें ये सारी क्रेनें और ये शिप चल रहे हैं, छोटे छोटे बड़े सब। और ये सीन ऐसा है यहाँ पर, अभी इस तरफ ये है, अभी दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग साइड है, आप देख सकते हैं ये सारे नीचे होटल्स हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग नई बनी हुई है बिल्डिंग सारी। और ये इस तरफ से हम लोग ऊपर आए थे इस तरफ से, और यहाँ पे ये सारा सीन है भाई, ये सीन है। इस तरफ ये बिल्कुल पीछे वाली साइड पे हम लोग आ गए हैं, और ये भी सारा पोर्ट वाला एरिया आप देखते हैं, ये शिप वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर के बाद हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, वो जो ये देखें इस तरफ से शिप जा रहा है उस तरफ, तो वो स्टेशन पे लगेगा, तो वहाँ पे हम लोग बैठते हैं और वहाँ से फिर दरिया में घूमते हैं थोड़ा सा, और आपको दिखाते हैं आगे वीडियो। अभी इधर के लिए मेरे ख्याल में बहुत है, यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजार लिया हमने यहाँ पे, और अभी अंदर चलते हैं और फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ सीन्स। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है, ये कॉन्सर्ट हॉल जो है वो ऊपर आप जाएं तो वहाँ पे जो है कॉन्सर्ट हॉल है, लेकिन अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, जाने की इजाज़त नहीं है। तो चलें नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे हैम्बर्ग में तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर ये खुला हुआ तो। अभी चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर और दिखाते हैं आपको कुछ पानी के सीन्स। ये अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही स्मूथ सफ़र है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, और बड़ी फ्लैट सी अच्छी सी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी चढ़नी है, उतरनी है सीढ़ियाँ तो आप उतर सकते हैं, बाकी जो है वो बड़ा ही स्मूथ जो है बहुत ही खूबसूरत। ये सारा ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने। अभी हम जा रहे हैं शिप के लिए, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये शिप जो है ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की तरह चलता है, और वहाँ पे आप देखें तो एक बॉक्स लगा हुआ है जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि वही 9 यूरो की टिकट जो है वो यहीं पे यहाँ पे भी चलेगी, तो यहाँ पर हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही टिकट और मज़े करें घूमते फिरते जाएँ। तो इसलिए अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर के बाद शिप आएगा तो उस पर बैठ के तो जाते हैं और घूमते हैं और घुमाते हैं आपको भी साथ में। और ये सीन ऐसा है यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, ये रिवर है सारा, और यहाँ पे लगेगा आके हमारा जहाज़ शिप, और यहाँ से हम बैठेंगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद आता है। और यहाँ से आप एक बार फिर ये बिल्डिंग देख सकते हैं अल्फा और मनी,
गर्मी काफ़ी हो गई है यहाँ पे इंतज़ार करते करते, तो मैंने कहा तो ये कैप पहन लेते हैं, थोड़ी धूप से बच जाएंगे। और ये देखें, एक ये शिप आ रहा है यहाँ पे, एक ये शिप आ रहा है और ये एक वो शिप है। अब कौन सा शिप मिलेगा हमें? मुझे लगता है कि ये वाला मिलना चाहिए, ये वाला शिप जो है वो फ्री वाला लगता है। हाँ, यही फ्री है, वो उसकी फ्लोर है वो मेरे ख्याल में वो 9 यूरो की टिकट में इंक्लूड नहीं होगा, और ये शिप इंक्लूड होगा, और इसी शिप पे हम जाने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं ऊपर बैठ के इसके सीन्स, और ये है हैम्बर के नज़ारे, और वो भी फ्री में। और ये यार ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। और ये ज़मीन पूरी हिल रही है भाई, वो जहाज़ यू यू हिल रहे हैं और ज़मीन भी, ये भी ब्रिज भी हिल रहा है पूरा। शिप में ये सीन है यहाँ पे, आप देखिए अल्फा हारमोनी गुजरते हुए, और हम ये जा रहे हैं आगे। भैया यहाँ पे खड़े हो गए हैं, खड़े हो गए, ये सीन है यहाँ। यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं आगे वाले स्टेशन की, तो बिल्कुल स्टेशन के हिसाब से ये चलती है, जैसे ट्रेन चलती है वैसे ही जो है ये शिप भी चलता है। तो आम दिनों में जो है इसके चार्जेस होते हैं 3-4 यूरो, जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आपने पे करने।
सैन डियागो के नाम से वो शिप है, और वो जो वाइट कलर का बड़ा शिप आपको वो सामने नज़र आ रहा है, और वहाँ पे हारमोनी बिल्डिंग है, और इस तरफ जो है वो ये दूसरा शिप है। तो ये सारे म्यूज़ियम इन्होंने बनाए हुए हैं, काफ़ी सालों ये चला है। आप देख सकते हैं इसको, फिल्मों में इस तरह के शिप मिलते हैं, देखें आप, बहुत ही खूबसूरत शिप है। और ये सामने आपको जो है वो दोनों बिल्डिंग सारी नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जी तो अभी हमने सोचा है कि हम लोग कुछ पानी से बाहर निकल के कुछ खुश्की वाले एरिया में जाते हैं, और अभी जो है कुछ खाने का मूड हो रहा है, तो अभी चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे खाने में क्या क्या चीज़ है हलाल में, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम होती है कि ढूंढना पड़ता है यहाँ पे, आसानी से हलाल फूड आपको मिलता नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में आपको मिल जाता है। तो हैमबर्ग में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरब्स बहुत ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन तुर्किश लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी अपने रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे। हम लोग अभी आ गए हैं ट्रेन स्टेशन में, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं ट्रेनें, और ये जर्मनी का यहाँ का हैमबर्ग का मेन स्टेशन है। तो इस स्टेशन से हम लोग आगे जाएंगे, और तुर्किश होटल हमने सेलेक्ट किया है, और वहाँ पे जाते हैं और आज आके आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वो, पहले भी हम लोग जा चुके हैं, तो अच्छा खाना होता है उनका, तो आज वहीं पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो रेस्टोरेंट। पहुंच गए हैं ये अपनी, आप समझ लीजिए देसी मार्केट है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फ्रूट, वेजिटेबल, गोश्त, जो भी चीज़ें आप लेने चाहते हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यही एरिया है, यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल के जो है वो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जो अफ़गानी रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है स्पेशल यहाँ पे, किसी और जगह पे मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया,
लेकिन तुर्किश रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी खाने वाने आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे मिक्स ही होता है, आपको किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो देसी मिल जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडियन वो एक ही तरह के वो बनाते हैं और आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें शवरमा वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कुछ भी लेना चाहें तो आप खा सकते हैं। बाकी ये सारी वेजिटेबल वगैरह और सब्जियाँ ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी आपको सारे जो हैं बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे, एशियन बहुत सारे मिलेंगे, काले अफ्रीकन बहुत सारे मिलेंगे, और मतलब हर जगह से जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं इस पूरे एरिया में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों की प्राइस जो है ये यहाँ पे लगी हुई है, ये 2.29 है और ये 1.19 है, इस तरह करके ये सारी चीज़ों की यहाँ पर प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। तो दो तीन यूरो से ले, एक यूरो से लेके दो तीन यूरो तक जो है ना ये सब की प्राइस जाती है यहाँ पे जी। ये है जी उर्फा, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है और ये समझ लीजिए ये हमें पसंद है तो यहीं पे हम लोग पहले भी आते हैं और अभी अंदर चलते हैं और जाके कुछ ऑर्डर वाडर करते हैं जी। हम लोग आ गए हैं अभी होटल में और ये देखें GoPro भी चार्जिंग पे लगा दिया है लैपटॉप के साथ, और ये है हमारा खाना, ये है रोटी और ये कबाब और ये पिज़्ज़ा, कबाब ये है कबाब और ये पिज़्ज़ा और साथ में है लस्सी। देसी काम हम लोग जो है वो हैमबर्ग में भी नहीं भूले, तो हैमबर्ग में भी लस्सी और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे हवा चल रही थी लेकिन लग रहा था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो आके एक गिलास तो मैंने ख़त्म कर दिया है और अभी ये दूसरा ग्लास आया है, तो अभी शुरू करते हैं खाना खाते हैं और उसके बाद में फिर आगे का प्लान बनाते हैं जी। GoPro तो अभी सही से चार्ज नहीं हुआ, अभी तकरीबन 30% हुआ, थोड़ा स्लो है, तो उतनी देर में खाने के बाद में ये चाय मंगा ली है देख सकते हैं, क्योंकि तुर्किश खाने और कबाब के साथ तुर्किश चाय जो है वो वाकई ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो इतना हैवी खाना होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट था, मज़ा आया खाने में। और मज़े की बात यह है कि मुझे उसके साथ प्यास ज़्यादा लगी हुई थी और तीन गिलास तो मैंने लस्सी के पी लिए, तो अभी चाय बनती है क्योंकि यही थोड़ा फ्रेश करेगी और आगे चल के फिर वीडियो भी बनानी है आपके लिए जी। अब खाना हो गया और हम निकल आए हैं होटल से और अभी आगे चलते हैं और चलते हैं दूसरी जगह पर और आपको दिखाते हैं हैमबर्ग की और साइड्स। जी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अभी हमने लिया है पानी और ये पानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये निशान है इसका, ये जो लगा हुआ इसका मतलब है ये रिसाइकल होता है पानी, सॉरी पानी नहीं बोतल रिसाइकल होती है, 25 सेंट जो है वो जब आप वापस करेंगे ये बोतल तो 25 सेंट आपको मशीन से मिल जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 1.5 लीटर का ये है पानी और आप समझ लीजिए 25 सेंट का ये पानी है और 25 सेंट इसको बोतल के हैं, तो ये जब आप वापस करेंगे तो आपको वापस मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है मीडियम मीडियम, तो इसमें जो है वो गैस होती है थोड़ी सी, जैसे नॉर्मल पानी होता है उसमें गैस नहीं होती, वो नॉर्मल बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे यूरोप में ये लोग जो पानी यूज़ करते हैं उसमें वो गैस और स्टोमिक के लिए जो है वो बेहतर होता है, तो मैं तो अभी कभी कभार ये यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभार नॉर्मल पानी, लेकिन ये जो है वो थोड़ा बेहतर होता है। और इस तरफ पुलोसा ही है पुलिस, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं ताकि कोई और पंगा ना हो जाए। ये पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे चल के और जगह देखते हैं। अच्छा अभी हम आ गए हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में, इंडियन पाकिस्तानी शॉप है, तो यहाँ से हमें हर तरह की जो है वो मसाले दालें जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो है वो मिक्स है, ये बॉलीवुड करके लिखा हुआ है और इंडियन और पाकिस्तानी दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है वो मिलती हैं, दोस्ताना स्टोर, मिठाई भी मिल जाती है आपको, हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी।
शान वगैरह और जितने भी मसाले हैं वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे भाई। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, 3 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए, तकरीबन 5 साल हो गए हैं पाकिस्तानी आम खाए हुए, और ये देखें यहाँ पे लगे हुए हैं। और अब रहा नहीं गया, अब ये ले लिए हम, और यहाँ पे अब पता नहीं मुझे वहाँ पे प्राइस क्या है इसकी, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो का पैकेट था और वो उसकी प्राइस है 14 यूरो। अब वो कितने बनते हैं वो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा। जी इस वीडियो में बस अभी यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।